हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। सो डियर एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। और इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर, फिर वो JKSSB हो, डिफेंस के एग्जाम्स हो या सिविल के एग्जाम्स हो, सभी एग्जाम्स के अंदर यहाँ से क्वेश्चन जो है वो हर बार बनता है। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। सो हाँ डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ के साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं। सो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे जो रिवर्स ऑफ इंडिया की बात करें तो दो तरह की रिवर्स यहाँ पे होती हैं। हिमालयन रिवर, जहाँ पे पूरे साल लगभग पानी रहता है, वाटर अराउंड द एयर, और दूसरी तरह की होती है वो होती है पेनिनसुलर रिवर्स, यहाँ पे पूरे साल पानी नहीं रहता है, नो वाटर अराउंड द एयर, पूरे साल तक यहाँ पे पानी जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो दो तरह की रिवर्स रहती हैं। और लेट मी टेक सम हाइड्रेटर हेयर। ठीक है, तो पेनिनसुलर रिवर, पहली जो रिवर आई वो हिमालयन रिवर, और जो दूसरी रिवर है वो कौन सी आ गई, वो आ गई पेनिनसुलर रिवर। सो इसमें नो वाटर अराउंड द एयर। जो हिमालयन रिवर है उसके अंदर आपकी तीन आती हैं, सबसे पहले आती है इंडस, दूसरी आती है गंगा, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो मानी जाती है इंडिया में, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज गंगा, और तीसरे नंबर पे आती है ब्रह्मपुत्र। जिस तीनों की तीनों हिमालयन रिवर हैं, यानी हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी आती है आपके पास पेनिनसुलर रिवर, जिसके अंदर इसमें भी दो टाइप्स आती हैं, एक आती है ईस्ट फ्लोइंग और दूसरी आती है वेस्ट फ्लोइंग। जो ईस्ट में बहती हैं उसमें तीन नदियां आती हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, चार नदियां जो है वो ईस्ट फ्लोइंग में आती हैं, ईस्ट की तरफ से आने वाली चार नदियां हैं ये, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। और वेस्ट फ्लोइंग की बात करें तो उसमें नर्मदा, जिसको तपती के नाम से भी जानते हैं, और फिर सरस्वती और लूनी, तीन रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग में आती है, यानी वेस्ट की तरफ से बहती हुई आती हैं। नर्मदा की बात करें तो ये कहाँ बहती है, तो ये फ्लोइंग इन मध्य, ठीक है, मध्य प्रदेश पूरा होगा, मध्य प्रदेश में जो है ये रहती है, फ्लोइंग इन मध्य प्रदेश। ओके, सो फ्लोइंग इन मध्य प्रदेश कौन सी, नर्मदा, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी टेक सम पेन फ्रॉम हियर। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आगे आती आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है इंडस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आगे अगला जो आता है वो कौन सा आता है, इंडस, जिसको हम सिंधु नाम से भी जानते हैं। तो पहली हम नदी की बात करेंगे, पहले जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो हिमालयन रिवर को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इंडस और गंगा रहेंगे इसके पार्ट वन के अंदर, और फिर इसके पार्ट टू में अंदर इसके जो रिमेनिंग रिवर्स होंगे हम उसको कवर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इंडस की बात करें तो इसको हम ऑल्सो कॉल्ड सिंधु, इसको हम सिंधु के नाम से जानते हैं, सिंधु के नाम से इस रिवर को जाना जाता है। और दूसरा बात करें, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो होती है वो है 2880 किलोमीटर। ठीक है जी, 80 किलोमीटर है, और इंडिया के अंदर जो है 1114 किलोमीटर। सो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि टोटल लेंथ कितनी है। टोटल लेंथ की बात करो तो 2880 किलोमीटर है, और इंडिया के अंदर बात करो कि इंडिया के अंदर इसकी लेंथ कितनी है तो वो है 1114 किलोमीटर। आगे बात करते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम नियर लेक मानसरोवर, मानसरोवर लेक के पास, वहां से इसका जन्म होता है, इन द तिब्बतन रीजन, जो कि तिब्बतन रीजन में, और कहाँ पे है ये, कैलाश माउंटेन रेंज, हिमालयन, हिमालय के अंदर जो कैलाश माउंटेन है वहां के अंदर, वहां में मानसरोवर से इसका जन्म जो है वो होता है, ये ओरिजिनेट होती है। आफ्टर एंटरिंग जे एंड के, इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड जस्कर रेंजेस, और जैसे ही ये J&K में एंटर करती है तो ये लद्दाख और जिसका रेंजेस के बीच में फ्लो करती है। आगे बात करें, इट फाइनली डिस्चार्ज इनटू अरबियन सी ईस्ट ऑफ कराची, और उसके बाद में कहाँ पे जाके डिस्चार्ज होती है, तो अरबियन सी में जाके जो मिल जाती है, जो कि कराची में है, ईस्ट ऑफ कराची में जो अरबियन सी है ये वहां पे जाके उसमें मिल जाती है। द इंडस फ्लो इन इंडिया ओनली थ्रू द लेह डिस्ट्रिक्ट, और अगर बात करें इंडिया के अंदर जो सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट वाली साइड में ही फ्लो करती है। ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज,
हाँ, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम जिसकी ट्रिब्यूटरीज मानी जाती हैं, यानी छोटी छोटी नदियां इंडस की ट्रिब्यूटरीज मानी, इंडस से ही छोटी छोटी नदियां आगे निकलती हैं, जिसमें सतलुज आती है, रावी आती है, ब्यास आती है, चेनाब आती है, झेलम आती है, वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाते हैं। आगे बात करें, एट मिथियानकोट दीज ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन इंडस रिवर, और फिर ये मिथियानकोट में आके ये जो नदियां हैं सतलुज रिवर, ब्यास, चेनाब, झेलम जो है, ये सारे के सारे फिर से एक इंडस रिवर में आके मिक्स हो जाती हैं। एक नदी की मतलब इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज आके कहाँ मिलती हैं, तो मिथियानकोट में आके मिलती हैं। द वाटर ऑफ इंडिया रिवर सिस्टम इज शेयर्ड बाई इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया वाटर ऑफ इंडिया रिवर सिस्टम, जो इंडिया रिवर सिस्टम है, ये इंडिया और पाकिस्तान जो है ये शेयर मतलब शेयरिंग होती है इसमें। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी साइंड ऑन 19 सितंबर 1960 बिटवीन बोथ द कंट्रीज, तो ये जो पानी शेयर होता है, जो इसका वाटर रिवर सिस्टम का जो पानी है जो शेयर होता है, ये किस ट्रीटी के बेस पर होता है, जो होता है 19 सितंबर 1960 की एक ट्रीटी साइन हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जिसमें जो है इसको शेयर किया गया था कि जो रिवर सिस्टम, जो रिवर का पानी है, वो किस प्रकार से कौन कौन सी कंट्री कितना यूज करेगी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी इंडिया कैन यूटिलाइज 20% ऑफ इट्स डिस्चार्ज ऑफ वाटर, सो इंडिया जो है वो कितना परसेंट यूटिलाइज कर सकता है डिस्चार्ज ऑफ वाटर का, 20% जो है वो इंडिया इस्तेमाल कर सकता है। आगे बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सबसे पहले आती है झेलम, अराइजेस फ्रॉम स्प्रिंग एट वेरीनाग, इसका जन्म कहाँ से होता है, तो वेरीनाग में इसका जन्म होता है। उसके बाद एट फुट ऑफ पीर पंजाल, साउथ ईस्ट कश्मीर की बात कर रहे हैं जी, जहाँ पे पीर पंजाल जो है, एट फुट ऑफ पीर पंजाल भी बोल सकते हो कि पीर पंजाल रेंज में के कदमों में से इसका जन्म होता है झेलम का। फ्लो थ्रू श्रीनगर एंड बुलर लेक, कहाँ कहाँ बहती है, तो श्रीनगर और बुलर लेक से बहती हुई निकलती है ये। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एंटर करती है थ्रू डीप नैरो गॉर्ज एंड जॉइन चनाब नियर जैंग इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के अंदर जाके इसको ज्वाइन, चनाब को ज्वाइन कर लेती है झेलम, झेलम ही पाकिस्तान के अंदर जाके चनाब को ज्वाइन करती है। आगे बात करते हैं चनाब में लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कोई है, तो वो चनाब है। टू स्ट्रीम चंद्रा एंड भागा ज्वाइन टू फॉर्म चनाब, तो दो नदियां जो है वो चंद्रा और भागा मिलती हैं, तो चनाब का जन्म होता है नियर कीलोंग इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जाके ये नदियां आपस में मिलती हैं, चंद्रा और भागा, और मिल के चनाब का निर्माण होता है। आगे दूसरी नदी के बारे में हम बात करें तो वो आती है गंगा, ये भी हिमालयन रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन रिवर, जो गंगा है ये दो मेन रिवर से मिलकर बनती है, भागीरथी और अलकनंदा, एट देवप्रयाग उत्तराखंड टू फॉर्म गंगा, तो उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग के अंदर दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और फिर गंगा जो है ये बनती है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भागीरथी और अलकनंदा मतलब इनमें से एक नदी का नाम दिया होता है और एक नदी पूछी हुई होती है एग्जाम के अंदर कि जो गंगा है वो किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो उसमें दो नदियां आती हैं आपकी भागीरथी और अलकनंदा, और कहाँ पे है ये, उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग, देवप्रयाग जगह है यहाँ जो आपस में आके मिलती हैं। और दूसरी बात करें सोर्स ऑफ भागीरथी की, बात करें कि भागीरथी के अंदर जो भागीरथी है ये कहाँ से आती है, ये गोमुख से निकलती है, गोमुख, और अलकनंदा की बात करो तो ये बद्रीनाथ से निकलती है। तो दो नदियां भागीरथी और अलकनंदा, और भागीरथी जो है वो गोमुख से निकलती है और अलकनंदा की बात करें तो वो बद्रीनाथ से निकलती है। मंदाकिनी फ्रॉम केदारनाथ ऑल फ्रॉम उत्तराखंड, तो जो मंदाकिनी रिवर है वो केदारनाथ से आती है, ये सभी की सभी रिवर जो है जो उत्तराखंड से है। आगे बात करें गंगा की जो लेंथ है वो है 2525 किलोमीटर इन इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, और इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है कौन सी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, वो यमुना है, ओरिजिनेट फ्रॉम जमुनोत्री ग्लेशियर इन उत्तराखंड, अब ये भी उत्तराखंड के अंदर जो जमुनोत्री है, जमुनोत्री ग्लेशियर है, वहां से जमुना का जन्म होता है। रन्स पैरेलल टू गंगा फॉर 800 किलोमीटर, सो दोनों जो आपकी गंगा रिवर है और जो जमुना है, ये दोनों रिवर्स एक दूसरे के पैदल चलती हैं, करीबन करीबन 800 किलोमीटर तक ये पैदल चलती हैं। उसके बाद जॉइंट्स गंगा एट अलाहाबाद, और फिर जमुना जो है ये अलाहाबाद में आके गंगा में मिक्स हो जाती है। ठीक है जी, जमुना रिवर्स भी गंगा में मिक्स होती है, कहाँ आके मिलती है, अलाहाबाद में अंदर। आगे बात करते हैं टेरी डैम इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया, अगर टॉलेस्ट डैम की बात करें तो वो टेरी डैम है,
इट इज अ मल्टीपर्पज रॉक डैम इन द भागीरथी रिवर। तो ये किस रिवर के ऊपर है? ये भागीरथी रिवर के ऊपर है, नियर थेरी इन उत्तराखंड। थेरी डैम इसलिए बोला जाता है क्योंकि उत्तराखंड के अंदर एक जगह है थेरी, यहाँ पे भागीरथी रिवर के ऊपर इस डैम को बनाया गया है, इसलिए इसको थेरी डैम के नाम से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा। गंगा की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो इसमें जो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज आती हैं वो आती हैं घाघरा 1080 किलोमीटर, दूसरी आती है सोन 780 किलोमीटर, फिर आती है गंडक 425 किलोमीटर है, कोसी 730 किलोमीटर है, गोमती 805 किलोमीटर है, दामोदर की बात करें तो 541 किलोमीटर है, यानी 541 किलोमीटर है। अब कोसी को सोर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोसी रिवर है इसको सोरो ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कोसी के कारण क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आता है, इसीलिए इसको सोरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है कि काफी ज्यादा तबाही जो है इसके कारण बिहार में होती है। जब भी यहाँ फ्लड आता है तो काफी ज्यादा नुकसान होता है, इसीलिए सोरो ऑफ बिहार के नाम से इसको जाना जाता है, सोरो ऑफ बिहार कोसी। इन बांग्लादेश गंगा इज नोन एज पद्मा। तो बांग्लादेश के अंदर जब गंगा प्रवेश करती है तो इनको इस जगह बांग्लादेश के अंदर इनको पद्मा के नाम से जाना जाता है। देन मीट्स ब्रह्मपुत्र एंड फॉर्म देन ऑनवर्ड्स नोन एज मेघना एंड फाइनली जॉइंट्स ऑफ बंगाल। तो उसके बाद गंगा जो है ये ब्रह्मपुत्र में मिलती है और तब इसका नाम जो पड़ता है वो पड़ता है मेघना, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी यानी बे जॉइंट्स फाइनली जॉइंट्स बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी में जाके ये वहां पे गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र प्लस जमुना, अगर कोई पूछे ये मेघना क्या है तो ये दो नदियों का संगम है जिसमें ब्रह्मपुत्र और मेघना आती है। ब्रह्मपुत्र और मेघना दोनों को मिलाएंगे तो आपको ब्रह्मपुत्र प्लस यमुना को जोड़ेंगे तो मेघना बनता है। आगे चलते हैं। बट दीज रिवर्स फ्रॉम डेल्टास एट रिवर माउथ कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। बट दीज रिवर्स फ्रॉम डेल्टा, ये दोनों के दोनों रिवर्स मिलके एक डेल्टा का निर्माण करते हैं, ठीक है जी, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। इन बांग्लादेशी ब्रह्मपुत्र नोन एज यमुना, और बांग्लादेश के अंदर जो ब्रह्मपुत्र है इसको हम यमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। यमुना ओरिजिन फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन साउथर्न स्लोप्स ऑफ बंदरपुश पीक्स ऑफ द लोअर हिमालयन उत्तराखंड। इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जो यमुना है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है, इसको पढ़ चुके हैं। इसकी लेंथ कितनी है यमुना की, तो वो है 1376 किलोमीटर। मर्जेस विद गंगा एट त्रिवेणी संगम प्रयागराज, अलाहाबाद में आके ये क्या करती है, ये गंगा में आके मिक्स हो जाती है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 1376 किलोमीटर। मर्जेस विद गंगा एट त्रिवेणी संगम, उसको त्रिवेणी संगम के नाम से मशहूर है, और ये प्रयागराज यानी अलाहाबाद के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, इसकी है चंबल 1050 किलोमीटर और सिंध, दो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल 1050 किलोमीटर और दूसरी सिंध। आगे बात करते हैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर। ब्रह्मपुत्र रिवर, इसका जन्म कहाँ से होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक इन हिमालय, हिमालय के अंदर जो मानसरोवर लेक है उसके ईस्ट से इसका जन्म होता है ब्रह्मपुत्र का, और आल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत के अंदर इनको सांगपो के नाम से जाना जाता है, और जमुना बांग्लादेश के अंदर जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश के अंदर, और तिब्बत के अंदर इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसकी लेंथ कितनी है, 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लेंथ। इंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश वेयर इट इज कॉल्ड दिहांग, और ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब एंटर करती है तो वहां पे इस नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं मजूली रिवर आइलैंड इन असम सिचुएटेड ऑन ब्रह्मपुत्र द बिगेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड है तो असम के अंदर है ये मजूली रिवर आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड है विश्व का मजूली रिवर आइलैंड इन असम। कहाँ पे है, असम के अंदर है, कहाँ पे, किस सिचुएटेड ऑन ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र के ऊपर है ये, और ये बिगेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड के अंदर। तो आगे बात करें आफ्टर फ्लोइंग थ्रू सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ब्रह्मपुत्र फाइनली एंटर्स बांग्लादेश, और सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से होते हुए ब्रह्मपुत्र जो है जो फाइनली बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है, एंड देन मीट्स गंगा एंड फाइनली जॉइंट्स बे ऑफ बंगाल, और उसके बाद गंगा से मिलती है और एंड पे आके ये
बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी में ज्वाइंट हो जाती हैं। ठीक है, सो डियर एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। आज हमने डिस्कस किया इंडस इंडस रिवर्स को, गंगा रिवर को और ब्रह्मपुत्र रिवर को, यानी हिमालयन रिवर को आज की वीडियो में हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पेनिसुलर रिवर। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के अंदर। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।